Hello everyone and welcome to my channel Automoto Curiosity. इस वीडियो में हम इंजन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादातर पार्ट्स की जगह कंपोनेंट शब्द का प्रयोग होता है और इस वीडियो में जानेंगे कुछ इंजन रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स जिनका प्रयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अक्सर होता है. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा. मेरा नाम कृष्णा बाथम है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं. मैंने पिछले 10 सालों में कई ऑटोमोबाइल कंपनियों में काम किया है. टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स उनमें से एक हैं. मैंने अपने करियर की शुरुआत 2011 में विंड इंडस्ट्री नाम की कंपनी से की थी. मेरे काम करने का क्षेत्र पिछले 10 सालों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा है. इंजन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन एक मशीन है जिसे ऊर्जा के एक रूप को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है. इंजन ऑटोमोबाइल का सबसे आवश्यक हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि इंजन ऑटोमोबाइल का दिल है. इस वीडियो में इंजन के प्रत्येक पार्ट्स के कार्य और निर्माण के बारे में बताया गया है. ईंधन के आधार पर इंजन के प्रकार. ऑटोमोबाइल में इंजन के अंदर दहन के लिए प्रयोग किए जा रहे ईंधन के आधार पर इंजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है: पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैसोलीन इंजन. अधिकांशतः कारों, बसों, ट्रक्स में, मोटरसाइकिल्स में, जो कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी इंजन में से कोई एक इंजन इनमें लगा होता है. क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में लगे इंजन में कंबस्चन इंजन के अंदर होता है, इसलिए इन्हें हम इंटरनल कंबस्चन इंजन भी कहते हैं. वह इंजन जिनमें कंबस्चन इंजन के बाहर होता है उन्हें एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन कहा जाता है, जैसे कि पुराने जमाने में चलने वाले रेलगाड़ियों में लगे स्टीम इंजन जिनमें कंबस्चन इंजन के बाहर होता था. Let us know about main 30 components of engine. आइए अब हम इंजन के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण components या parts के बारे में जानते हैं. Cylinder head cover. Cylinder head. Cylinder block. Crankcase. Oil pan. इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, गास्केट्स, सिलेंडर लाइनिंग्स, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, फ्लाईव्हील, अल्टरनेटर, एसी कंप्रेसर, स्टार्टर मोटर, वाटर पंप, वाल्व्स, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल इंजेक्शन पंप, टर्बोचार्जर, क्रैंक पुलीज एंड एसेसरी पुलीज, ड्राइव बेल्ट, वाल्व टाइमिंग चेन, इंजन कंट्रोल यूनिट, इंजन कंट्रोल यूनिट सेंसर्स.
सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर सिलेंडर ब्लॉक के उस स्थान का व्यास है जिसके अंदर पिस्टन ऊपर और नीचे यात्रा करता है। इसे स्मॉल डी द्वारा दर्शाया जाता है। इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। पिस्टन एरिया, यह पिस्टन हेड की परिधि का क्षेत्र है। इसे कैपिटल ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। स्ट्रोक, इंजन के साइकिल का एक चरण जिसके दौरान पिस्टन ऊपर से नीचे या इसके विपरीत यात्रा करता है, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। इसे कैपिटल एल द्वारा दर्शाया जाता है। इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। डेड सेंटर, यह पिस्टन के और उससे जुड़े भागों की वह स्थिति है जिसके आने पर पिस्टन और उससे जुड़े पार्ट्स की गति की दिशा उलट जाती है। इंजन में दो डेड सेंटर्स होते हैं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है। डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम, यह एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक यात्रा करते समय पिस्टन द्वारा स्वीप किया हुआ गया आयतन है। इसे घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना पिस्टन क्षेत्र और स्ट्रोक की लंबाई को गुणा करके की जाती है। क्यूबिक कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी और इंजन सीसी। इंजन सीसी एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसे हमने कई बार कारों और बाइक के बारे में बात करते हुए सुना है। इंजन सीसी की गणना निम्न अनुसार की जाती है। इंजन सीसी इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन इंजन। कंप्रेशन रेशियो, यह टोटल वॉल्यूम और क्लीयरेंस वॉल्यूम का अनुपात है। इसे हम स्मॉल आर द्वारा दर्शाते हैं। Thank you so much for watching this video. I appreciate your patience for staying with us till end of this video. Hope you may have liked this video. Please like, subscribe, and leave comment below in case if you have any question or any feedback. We will see you in next video.